तो देखो यार 10,000 से 15,000 के अंदर एक गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी बिल्ड यार थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है, फिर भी यार हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली आज मैं यार आपको सिर्फ अंडर 15,000 के अंदर एक गेमिंग प्लस एडिटिंग पीसी बिल्ड को सजेस्ट करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मतलब वो वाला सीन तो नहीं होगा इसमें यार, ऑब्वियसली हाई लेवल पे तो आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे, बट 1080p लो टू मीडियम सेटिंग में मतलब जो भी कैजुअल गेम वगैरह है, मतलब जितने भी पुराने टाइटल गेम है वो आप इसमें आराम से चला सकते हैं। GTA 5 या CS:GO वैलोरेंट टाइप गेम है, इसमें आप आराम से 1080p लो टू मीडियम सेटिंग में चला सकते हैं, एडिटिंग भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत हाई एंड लेवल पे तो एडिटिंग गेमिंग ना हो पाएगा, बट अंडर 15,000 के हिसाब से मतलब ठीक ठाक लेवल पे हो जाएगा। ऑब्वियसली आप समझ रहे हो ना, अंडर 15,000 में और क्या लोगे, मतलब पीसी का जान लोगे क्या? तो देखो यार मैं उन लोगों को ये पीसी रेकमेंड करूंगा बिल्कुल यार, जिनके पास अंडर 15,000 से 16,000 मैक्सिमम बजट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते तो उनके लिए तो बेस्ट है। तो अगर आपका बजट या 20 से 25,000 से या तो फिर इससे भी जाए तो आपके लिए ये पीसी बिल्कुल नहीं, आपके लिए इससे भी पीसी बनाया जा सकता। तो आप यार देख लेते कंपोनेंट को, तो ऑब्वियसली इस बिल में मतलब अंडर 15,000 क्या ही लगा लोगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको मैंने सीपीयू साइज कर रहा हूँ इंटेल की तरफ से, उनका 4th Gen का सीपीयू, एंड यार ऑब्वियसली जो सीपीयू है दैट इज यार इंटेल कोर i5 4590, ऑब्वियसली इंटेल की तरफ से उनका 4th Gen का सीपीयू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 4 कोर के साथ 4 थ्रेड, एंड ऑब्वियसली इनका जो बेस क्लॉक है 3.3 GHz के साथ बूस्ट क्लॉक है 3.7 GHz, एंड 2000 के अंदर अमेजन में अभी लिस्टेड है, मतलब अमेजन के अंदर अभी 2000 के अंदर मिल जाएगा, जो कि यार बहुत सही सीपीयू है मेरे हिसाब से 2000 के हिसाब से। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आपको कोई भी सीपीयू कूलर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली ये पुराना सीपीयू, तो जो सीपीयू कूलर है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। जो भी इंटेल की तरफ से उनका रेगुलर सीपीयू कूलर है वो आपको मिल जाएगा 200-300 के बीच में आराम से मिल जाएगा, जो कि यार वो सीपीयू कूलर ये सीपीयू को कूल डाउन करने के इनफ है। एंड यार ऑब्वियसली नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज ग्राफिक्स कार्ड, एंड ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा गेमिंग एडिटिंग का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो मेरे हिसाब से अंडर 8,000 के हिसाब से जो ग्राफिक्स कार्ड आपको मैंने सजेस्ट करा हूं ना, नेक्स्ट लेवल बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत चाहे एडिटिंग के लिए बहुत चाहे गेमिंग के लिए। एंड ये जो ग्राफिक्स कार्ड AMD का ग्राफिक्स कार्ड है, एंड यार दैट इज Asus Phoenix AMD Radeon RX 550, एंड ऑब्वियसली 550 GPU के साथ आता है ये ग्राफिक्स कार्ड, मतलब RX 550। एंड ये जो ग्राफिक्स कार्ड अभी के डेट में आपको मिल जाएगा 8,000 के अंदर, अभी के डेट में मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4GB का GDDR5 VRAM, ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर आप यार 3 पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट के साथ एक VGA पोर्ट मिल जाएगा, ऑब्वियसली 3 मॉनिटर इसमें आप लगा सकते हो। एंड 1080p कैजुअल गेमिंग के लिए आराम से कैपेबल है, 1080p एडिटिंग आराम से करवा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड ऑब्वियसली ये 8,000 के अंदर मिल जाएगा अमेजोन में, एंड बाकी ऑफलाइन मार्केट पर चेक सकते हो, आई थिंक ऑफलाइन मार्केट पर इससे सस्ता मिल जाए, देख लेना ठीक है। एंड नेक्स्ट आप द ऑब्वियसली मदर बोर्ड, एंड देखो इस बजट के हिसाब से यार बहुत अच्छा मदर बोर्ड को तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा ब्रांड की तरफ से तो जो भी आपको मतलब लोकल ब्रांड का मदर बोर्ड मिलेगा, बाकी जो भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो देखो इस बजट में यार आप जो भी ब्रांड का मदर बोर्ड लगा सकते हो, लगभग इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही होता है। एंड इस बिल में जो मैंने मदर बोर्ड सर्च करा हूँ, ये फ्रॉन्टेक की तरफ से, दैट इज फ्रॉन्टेक H81 मदर बोर्ड है, एंड ऑब्वियसली जो मदर बोर्ड का प्राइस है 2000 से 2500 के अंदर मिल जाएगा अभी के में, जो कि बहुत सही डील है। इसलिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 RAM स्लॉट, DDR3 RAM सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि M.2 NVMe SSD का स्लॉट, जो कि यही तो चाहिए हम लोगों का। एंड इसके साथ आपको मिल जाएगा किसी एक 16 स्लॉट का एक ग्राफिक्स कार्ड के स्लॉट, जो कि ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आगे मतलब इससे अलावा ग्राफिक्स कार्ड आप नहीं लगा सकते किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर, एंड यही तो चाहिए हम लोगों का, बट मिल जाएगा जो भी हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफुल कर देता है ये मदरबोर्ड। एंड 2600 के अंदर जो मदरबोर्ड मिल जाएगा, एंड बाकी सभी ने से रिपोर्ट भी मिल जाएगा, एंड ये जो ग्राफिक्स कार्ड एंड CPU में आराम से हैंडल कर लेगा ये मदरबोर्ड, ठीक है। एंड यार हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज ऑब्वियसली रैम स्टिक, एंड इस बिल में यार आपको 8GB का सिंगल स्टिक रैम किट को मैंने सर्च कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इस बिल में यार 8GB से आराम से काम हो जाएगा, बोझ है गेमिंग के लिए, बोझ है आपके एडिटिंग के लिए 8GB मोर दिन इनफ है, मतलब और भी लगा सकते अगर आप लगाना चाहते हो तो, क्योंकि मदरबोर्ड 16GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है, जो कि मेरे हिसाब से 16GB बहुत हो जाता है इस पीसी बिल के लिए। तो एंड बिलहाल के तो आपको मैंने 8GB का सिंगल स्टिक रैम किट को सर्च करना, जो कि रैम किट आपको मिल जाएगा 800 के अंदर अभी के डेट में। एंड ये रैम स्टिक का दैट इज एंटी स्पोर्ट 690 न्यू 8GB का सिंगल स्टिक रैम है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा DDR3 मेमोरी टाइप के साथ 1600 MHz का मेमोरी फ्रीक्वेंसी, जो कि सही है 8GB आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड 800 के अंदर ये रैम स्टिक मिल जाएगा बिलहाल के लिए, तो आप बाद में लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हो तो। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट ऑब्वियसली स्टोरेज डेप, एंड देखो किसी कंपोनेंट जितना में पुराना हो जाए ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली नहीं। आप यार क्या करते हैं लोग ज्यादातर 10,000 से 15,000 जो भी पीसी बिल्ड करते हैं वो हार्ड डिस्क लगा लेते हैं मेन ड्राइव, तो देखो ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी काम है। तो मेरे हिसाब से आपको मिनिमम NVMe तो लगाना ही चाहिए,
ठीक है। तो बाकी इस बिल में आपको एक 256 GB का को यार एक M.2 NVMe SSD को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि NVMe मस्ट होना चाहिए। बाकी 256 GB ठीक ठाक हो जाता है। बाकी अगर आपका लगाना चाहे तो हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। एंड जेबरोंग जैसे ब्रांड की तरफ से है एंड 256 GB का NVMe SSD एंड 1600 के अंदर बिलाल के तो अमेजोन के अंदर आपको मिल जाएगा आराम से। एंड यार यहाँ पे ये SSD है दैट इज जेबरोनिक JPMN 256 GB का M.2 NVMe SSD एंड ऑब्वियसली पीसी एक्सप्रेस जेन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। बाकी इसका अगर मैं रफ्तार तेज के बारे में बात करूँ तो वो है 1900 MBPS, जो कि प्राइस के हिसाब से सही है। एंड ऑब्वियसली 1600 के अंदर मिल जाएगा 256 GB NVMe SSD, जो कि मोर देन इनफ है। बाकी अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो बाद में हार्ड डिस्क टाइप वगैरह, ठीक है, तो वो देख लेना आपके हिसाब से। एंड बाकी मतलब गेम वगैरह आप आराम से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि बहुत ज़्यादा गेम तो नहीं हो पाएगा बट हो जाएगा एक दो, ठीक है। एंड यार यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑब्वियसली पावर सप्लाई एंड कैबिनेट। एंड देखो पावर सप्लाई एंड कैबिनेट में क्या ही सजेस्ट करूँगा इस बजट में, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी लगा सकते हो। एंड देखो मेरे हिसाब से अगर मैं रेकमेंड करूँगा आपको यार अभी की डेट में बोझ ऑफलाइन मार्केट में बोझ आप या ऑनलाइन मार्केट में देख लो, मतलब जो कैबिनेट एंड प्लस जो पावर सप्लाई का कॉम्बो आपको मिल जाएगा 1500 के बीच में आराम से मिल जाएगा बोझ ऑफलाइन मार्केट से, बोझे आपको यार ऑनलाइन मार्केट से, दोनों मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा जो कैबिनेट प्लस SMPS यानी कि पावर सप्लाई का कॉम्बो, तो आराम से मिल जाएगा 1500 के अंदर। बिल्कुल बेसिक से नॉर्मल से कैबिनेट होता है एंड जो पावर सप्लाई वो भी बेसिक सा होता है 1500 के अंदर मिल जाएगा। जो भी आपको 1500 के अंदर पावर सप्लाई कैबिनेट मिल जाएगा जो भी अपने हिसाब से लगा सकते हो, वो भी हल्के तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा ऐसे लिमिटेड है। तो क्या है यहाँ पे 8 GB कैबिनेट वगैरह लगाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर किसी को लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ लगा सकते हो। एंड वैसे भी मैं कुछ कैबिनेट एंड जो पावर सप्लाई का कॉम्बो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। बाकी ऑफलाइन पे भी देख लेना सारे कंपोनेंट का जो प्राइस, हो सके यार ऑफलाइन मार्केट में सस्ता है, मेरे हिसाब से ऑफलाइन में सस्ता ही होता है। एंड बाकी वैसे तो सारे कंपोनेंट का बेस्ट बाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, ठीक है। एंड तो देखो इस पीसी बिल में ऐसा तो ज़्यादा कुछ आप कुछ नहीं उखड़ सकते हो, बट बेसिक नॉर्मल 1080p के ऊपर कैजुअल गेमिंग के साथ नॉर्मल एडिटिंग इसमें आराम से कर सकते हो। हाई एंड लेवल पे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा एंड अपडेट मतलब अपग्रेड भी बहुत हद तक तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो यार आप ये बात ध्यान रखो। एंड जिनका बजट यार अंडर 15 से 16,000 तो इनके उनके तो ये बेस्ट पीसी है। तो अगर मैं सारे कंपोनेंट का जो प्राइस बता तो एग्जैक्ट प्राइस वो यार आपको मतलब 16,500 के अंदर आराम से सारे कंपोनेंट मिल जाएगा, वो चाहे ऑफलाइन मार्केट पे वो चाहे ऑनलाइन में, हो सके ऑफलाइन में सस्ता मिल जाए, ठीक है। तो बाकी बिलहाल के लिए तो इतना यार, मिलते हैं किसी और एक दिन वीडियो में, मतलब और एक वीडियो में ऑब्वियसली। तो सारे बेस्ट बाय बिलिंग कंपोनेंट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो अभी के लिए इतना है। हैप्पी गेमिंग, बाय।